गाइस मेरा बताया हुआ ये ड्रिंक सोने से पहले रोजाना 15 दिन लगातार पी लीजिए। आपके पेट की चर्बी हो या फिर आपके पूरे शरीर की चर्बी बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाएगी। ये ना सिर्फ आपके वेट लॉस में आपका हेल्प करेगा बल्कि वेट लॉस के साथ हमें मेन इशू क्या आता है, जब हम वेट लॉस प्रोसेस पर होते हैं तो हमारी स्किन डल पड़ने लगती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होने लगती है। अगर आप इसको पिएंगे तो ये आपके वेट लॉस भी करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, आपके बालों के टेक्सचर को बहुत सुंदर कर देगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्या है। हाँ, इस मैजिकल वाटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं आंवले का। जी हाँ, आंवला भरपूर मात्रा में सर्दियों में अवेलेबल होता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम यानी डलनेस को, पिगमेंटेशन को, झाइयां, पिंपल्स, एक्नी, हर प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रेडिएंट ग्लो लेकर आता है। प्लस में विटामिन सी क्या करता है, आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर फैट होता है उसको ये मेल्ट करेगा, साथ ही साथ आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं तो ये उनको भी काला करेगा, उनके टेक्सचर को भी सुधारेगा। प्लस में ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी आपको पता है कोरोना वायरस गया है, सेकंड वायरस अभी कमिंग में है, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपने इसको लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है उसको हटाएगा, आपकी बॉडी को अंदर से क्लींस करेगा, राइट। तो एक आंवला हम इसमें लेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा अदरक। अदरक क्या करती है, आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर फैट है उसको खत्म करती है। दूसरा बेनिफिट अदरक का होता है, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है। खट्टी डिकारे हो या फिर आपको बहुत ज्यादा बादी बनता हो, मतलब आपको हैवीपन फील होता हो, छाती में जलन होता हो, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक हो, आपके जोड़ों में अगर सूजन है, दर्द है, उसको भी ये दूर करेगा। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा है लेमन। तो यहाँ पे मैंने हाफ लेमन लिया है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आपने क्या करना है, लेमन का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर हम अपने इन दोनों इंग्रेडिएंट का ही यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको अच्छे से कट कर लेना है। सबसे पहले मैंने आंवले को अच्छे से धो लिया है, अब इसको मैं कट कर लूंगी और जो इसकी गीटक है ना वो अलग कर लूंगी। विंटर्स में प्लीज प्लीज इस ड्रिंक को पिए, ये आपके स्किन को भी इतना इन्हांस कर देगा कि आप सोचेंगे कि क्या लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। जो आप इतने महंगे महंगे फेशियल्स करवाते हैं, विटामिन सी सीरम्स यूज करते हैं ना, ट्रस्ट मी आपको कोई भी सीरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ड्रिंक को लेना स्टार्ट करेंगे। और चाहे आपका डिलीवरी के बाद का बड़ा हुआ पेट हो या किसी भी रीजन से आपका बेली फैट बहुत ज्यादा ना, उसको ये बहुत अच्छे से कट करेगा। यहाँ पे मैंने आंवला ले लिया है, अब अदरक को हम कट करेंगे। ओके, ठीक है, लेमन को हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे और प्लस में हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। अब इस पानी को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये 1 ग्लास ना रह जाए। तो मैं इसको गैस पे रखूंगी, लेकिन लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। क्यों लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि जितने भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं, अदरक और साथ में आंवला, तो उसका पूरा जो असर है उस पानी में आ जाएगा। अगर आप गैस का फ्लेम लो की जगह हाई करते हैं तो पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा और इसका असर पूरा पानी में नहीं आएगा। गाइस, अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, 2 ग्लास का ये 1 ग्लास रह चुका है। तो अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लेकिन हमें इसे चाय की तरह ही पीना है, सिप सिप करके। तो 5 to 7 मिनट्स के लिए आप इसको एज इट इज रहने दें, देन हम उसके बाद इसको एक कांच के ग्लास में स्टेन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने एक ग्लास में छान लिया है और आप टोटली इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि आंवला का जितना भी असर था वो इस पानी में आ चुका है, ठीक है। वैसे आप इसको एज इट इज लें, लेकिन फिर भी अगर आपको एज अ फ्लेवर इसमें कुछ टेस्ट मीठा आपको चाहिए तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर पानी का जो टेम्परेचर है वो लुकवॉर्म होना चाहिए जब आप हनी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जिन लोगों को डायबिटीज है तो वो इसमें हनी ऐड नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो था लेमन, तो लेमन हम इसमें हाफ स्क्वीज कर देंगे, ठीक है। अब जाने थे इसको पीना कब है, इसका सबसे ज्यादा असर तब आएगा जब आप रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको पियेंगे, ठीक है, डिनर के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले आप इसे पीकर सो जाइए। अगर आपके लिए नाइट में पॉसिबल नहीं है तो सुबह उठते ही खाली पेट आप इस ड्रिंक को पियेंगे और इसके 1 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे। तो चलिए, अब मैं इस ड्रिंक को एंजॉय करती हूँ और आप भी इस ड्रिंक को नए तरीके से एंजॉय करें।